हेलो दोस्तों, चलिए आज हम टिक्की वाला थाल पोस बनाएंगे। उसके लिए हमने तीन कलर का उलन लिया हुआ है और क्रोशिया हमने यहाँ पर 2 नंबर का लिया है, 1.5 mm का। डिजाइन कैसा है कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे और उसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन करेंगे। फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 4 चेन, डबल फंदे, यहाँ पर त्रिबुल क्रोशिया हम बनाएंगे ऐसे। 1, 2, 3 3 टाइम क्रोशिया चलाएंगे तो एक चेन, एक ये दो हो गया, डबल फंदे, फिर सेम जगह पे ही ऐसे, तो 3 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 1, 2 2 चेन कर लेंगे, डबल फंदे, फिर सेम जगह पे ही हम फिर से 1, 2, 3 एक बना लिए, 2, 3 हमने ऐसे 3 में फिर बना लिया, फिर 2 चेन करेंगे, फिर डबल फंदे, फिर से 3 बनाएंगे ऐसे। तो 3 3 ऐसा बनाएंगे, एक से दूसरे जाने में 2 चेन करेंगे, बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया पूरा, हम ऐसे 3 3 का देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 जगह हमने बना लिया है। अब यहाँ पर लास्ट वाले पे लेके हम फर्स्ट जो चेन किए हैं इस पे हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और ऐसे बांध के हम कट करके निकाल लेंगे। अब इसे हम बैक साइड लगा लेंगे। अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे और जो दो दो चेन किए हैं इसमें ऐसे बांध के 1, 2, 3, 4 4 चेन फिर से करेंगे, डबल फंदे, फिर से त्रिबुल क्रोशिया, तो एक चेन, 1, 2 हो गया, सेम जगह पे फिर बनाएंगे 3 3 ऐसे हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन कर लेंगे, फिर डबल फंदे, फिर सेम जगह पे ही फिर से बनाएंगे हम 1, 2, 3 3 त्रिबुल क्रोशिया फिर बना लेंगे, डबल फंदे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे हम। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 3 त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन, डबल फंदे, फिर से 3 त्रिबुल क्रोशिया, 1, 2, 3 देखिए, फिर डबल फंदे, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 3 बनाएंगे, फिर 5 चेन, फिर 3 बना लेंगे त्रिबुल क्रोशिया। तो ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया, फिर फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसे हम बांध के कट करके निकाल लेंगे। अब इसके बाद से फिर दूसरा कलर लेंगे ऐसे, और जो चेन है इसमें बनाना है हमें बांध के 1, 2, 3, 4 4 चेन, डबल फंदे, फिर हम इसमें त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक पास 2 त्रिबुल क्रोशिया, फिर 2 चेन कर लेंगे, 2 चेन कर लेंगे, डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें 1 और 1 बनाएंगे, 2 2 त्रिबुल क्रोशिया फिर बना लेंगे, फिर 2 चेन करेंगे, फिर डबल फंदे, फिर 1, 2 फिर 1, 2 2 चेन, फिर डबल फंदे, फिर से बनाएंगे 1, 2 देखिए।
तो पूरा इसमें दो दो का एक दो तीन चार, चार जगह हम दो दो बनाए हैं यानी एट बनाए हैं। दो बना के दो चेन, दो बना के दो चेन ऐसे हमने किया है। फिर दो चेन करेंगे ऐसे, और ये नीचे जगह है जो एक से दूसरे जाने के बीच में, यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन चेन कर लेंगे। सेम जगह पर ला कर फिर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे हम। फिर डबल फंदे, सॉरी, फिर यहाँ पर एक दो, दो चेन डबल फंदे, फिर इसमें हम एक दो, दो डबल क्रोशे पहले बना लेंगे, ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे, फिर टू चेन करेंगे, फिर डबल फंदे, फिर से हम टू बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे, देखिए, फिर टू चेन, फिर डबल फंदे, फिर फोर बना लेंगे फिर से, और फिर ऐसे टू बना के इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर सेवन चेन करके फिर ऐसा बना लेंगे। यहाँ पर सेम ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ये बनाते हुए पूरा कंप्लीट किया। फिर देखिए यहाँ टू चेन कर लिए हैं, ये फाइव करके ज्वाइंट, सेवन करके ज्वाइंट करके अभी फर्स्ट टर्न में लेके हम ज्वाइंट करेंगे और इसे बांध के कट करके निकाल लेंगे अपना। देखिए अब इसके बाद से और बनाएंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें ज्वाइंट करने के लिए देखिए हमने ये बना के और इसमें दो जगह हमने टू टू का ऐसा बना लिया है, और देखिए यहाँ बना के टू चेन किए हैं, फिर टू बना लिए हैं, एक पास ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ पर एक दो टू चेन कर लेंगे, और ये जो मिडिल में है देखिए फोर एक दो जगह दो दो वाला छोड़ेंगे, यानी एक दो तीन चार ट्रिपल क्रोशिया, और मिडिल का है जो दो चेन उसमें हमें ज्वाइंट करना है, फोर फोर दोनों साइड छूटेगा, इसके मिडिल में हमें ज्वाइंट करना, फिर टू चेन डबल फंदे, और फिर यहाँ पर हम सेम चीज़ें एक और एक बनाएंगे, दो, देखिए फिर दो चेन डबल फंदे, फिर यहाँ पर एक दो, देखिए फिर यहाँ पर दो चेन, दो बना के हमें दो चेन करना है हर एक में, फिर ऐसे दो चेन करके नीचे ऐसे ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर हम एक दो तीन थ्री चेन करेंगे, और इधर ये सेवन चेन का जो बनाए हैं बीच में ऐसे ज्वाइंट किए हैं, इसमें हम ऐसे लेके बैक साइड से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो तीन, फिर नीचे ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो, दो चेन डबल फंदे, फिर इसमें हम बनाएंगे पहले एक और एक बना लेंगे, एक पास दो, दो बना के एक पास एक दो, दो चेन करेंगे डबल फंदे, सेम जगह पर फिर से दो बना देंगे, एक दो। अब यहाँ पर फिर हम एक दो, दो चेन करेंगे, और फिर इसमें हमें ज्वाइंट करना है, इधर साइड का ये है, तो देखिए इसमें भी एक दो जगह ये छोड़ के बीच वाला जो है ये इसमें ज्वाइंट करेंगे, यानी एक दो तीन चार छोड़ेंगे, और बीच वाले में हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, दोनों साइड चार चार छूटेगा, मिडिल में ये दो चेन है इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, फिर टू चेन कर लेंगे, फिर सेम चीज़ें बना लेंगे इधर, दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया, देखिए फिर दो चेन, फिर नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ ज्वाइंट करने के साथ एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन, फिर नीचे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर वन टू, टू चेन, फिर डबल फंदे, फिर ऐसा बनाएंगे हम। तो ऐसा बनाते हुए हम जैसे ये बना है पूरा कंप्लीट करते हैं ये भी। तो देखिए हमने ऐसे दो ज्वाइंट कर लिया, अब उसके बाद फिर हम इस साइड ज्वाइंट करेंगे। तो इस साइड पे ज्वाइंट करने के लिए देखिए सेम हमने ऐसा बनाया हुआ है, दो जगह हमने बना लिया है ये, अब यहाँ पर दो चेन कर लेंगे, अब यहाँ से हम ज्वाइंट स्टार्ट करेंगे, ये वाला यहाँ ज्वाइंट किए हैं, उसके बाद वाला फ्लावर है इसमें ज्वाइंट करेंगे, तो इसमें भी हम इधर से देखिए मिडिल में हमें ज्वाइंट करना है, इसके बीच में ऐसे लेके, और यहाँ पर हम
ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर दो चेन कर लेंगे। हम दो चेन कर लें, आपको अगर ज़्यादा लगता है तो एक चेन भी कर सकते हैं। अब ऐसे फिर एक दो तीन डबल फंदे, फिर से हम दो बना ले रहे हैं यहाँ पर, फिर दो चेन डबल फंदे, फिर यहाँ पर दो, देखिए फिर दो चेन, फिर नीचे ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन चेन करेंगे और इसमें हम फिर ये चेन वाला है इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो तीन चेन, तीन चेन करके फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन डबल फंदे, फिर इसमें बनाएंगे हम पहले दो जगह हम बना लेते हैं दो दो ट्रिबल क्रोशिया, दो दो चेन डबल फंदे, फिर एक दो, देखिए फिर एक दो, दो चेन, देखिए अब ये दोनों है जॉइंट, जो इधर हम जॉइंट कर चुके हैं, अब इधर ये दोनों का जॉइंट है ये फ्लावर का, इसके बीच में हमें जॉइंट करना है ऐसे लेके इसके बीच में ऐसे, फिर एक दो, दो चेन डबल फंदे, फिर से हम सेम चीज़ें बनाएंगे यहाँ पर, एक दो, फिर दो चेन डबल फंदे, एक दो, फिर दो चेन, फिर ये नीचे हम ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन थ्री चेन, देखिए मिडिल में जॉइंट कर लिए, अब थ्री चेन करके फिर ये वाला है जो चेन इधर का ये बीच में का यहाँ पर जॉइंट करेंगे हम ऐसे लेके, इसके बीच से ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर एक दो तीन चेन, फिर सेम जगह पर लाके ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन डबल फंदे, फिर इसमें हम बनाएंगे एक दो, फिर दो चेन डबल फंदे, फिर एक दो, फिर दो चेन, अब इधर जॉइंट कर चुके हैं ये वाला है जो, देखिए ये जॉइंट है इसके बाद का ये वाला में हमें जॉइंट करना है, इसके मिडिल में हम जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे लेके, इसके बीच में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर दो चेन डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें बनाएंगे ट्रिबल क्रोशिया, दो चेन और फिर दो ट्रिबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर नीचे ऐसे जॉइंट करेंगे और फिर सेवन चेन का ऐसा बनाएंगे और बनाते हुए कंप्लीट करते हैं हम। तो देखिए हमने ऐसे जॉइंट किया बीच में एक और साइड से ऐसे दो, सेम ऐसे ही अब जॉइंट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जॉइंट करते हुए फिर ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ऐसे बनाते हुए और कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं हम। तो देखिए हमने ऐसे बनाया, अब यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे, इसमें देखिए बीच में हमने एक लगाया है, उसके बाद से किनारे पे देखिए राउंड से एक दो तीन चार पाँच, पाँच हम लगाए हैं, छठा यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात जॉइंट पड़ेगा इसमें। तो हमने दो चेन किया है और यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे, दो चेन डबल फंदे, और फिर से हम बनाएंगे ऐसे, एक दो, फिर दो चेन और फिर एक दो, फिर दो चेन, फिर नीचे ऐसे जॉइंट करेंगे एक से दूसरे जाने के बीच में, फिर एक दो तीन चेन और फिर ये चेन है इसमें हम जॉइंट कर लेंगे ऐसे, फिर एक दो तीन चेन, फिर सेम जगह पर ऐसे नीचे जॉइंट करेंगे और फिर दो चेन करके फिर सेम चीज़ ऐसे बनाएंगे इसमें और फिर इधर कॉर्नर पे ऐसे जॉइंट करेंगे दोनों के बीच में, फिर यहाँ पर चेन का चेन के सामने इसके सामने ये, फिर ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए
हमने ऐसे बनाया, बीच में एक और राउंड में सिक्स ऐसे हमने लगाया, पूरा सेवन टिक्की कैसे हुआ। अब इसके ऊपर फिर ज्वाइंट करेंगे, इसके ऊपर यानी इसके आगे अब हम ज्वाइंट करेंगे। हम 19 टिक्की का बनाएंगे, 19 टिक्की का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये दो है, ये दोनों का ज्वाइंट होगा। तो हमने ऐसा बनाया है, अब यहाँ पर मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर दो चेन करेंगे और फिर सेम चीज़ें हम बना लेंगे। डबल फंदे लेके त्रिबुल क्रोशिया हम बनाएंगे, फिर दो चेन और फिर दो त्रिबुल क्रोशिया, और उसके बाद से चेन वाला यहाँ पर एक से दूसरे जाने के बीच में बनाएंगे, तो इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर ये वाला बना के यहाँ पर ज्वाइंट करके हम राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये ज्वाइंट किया, यहाँ एक और यहाँ दो, यहाँ तीन, तीन ज्वाइंट किए और ऐसे राउंड कंप्लीट किए। अब हमें यहाँ ज्वाइंट करना है, देखिए यहाँ मिडिल में ये ज्वाइंट है दोनों का, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट करना। तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन ज्वाइंट फिट पड़ेगा। तो हमने ये बनाया हुआ है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके मिडिल से ऐसे लेके, और इसके मिडिल में हमने ऐसे ज्वाइंट कर लेना है, फिर दो चेन डबल फंदे सेम चीज़ें फिर बनेगा। अब यहाँ पर दो त्रिबुल क्रोशिया, उसके बाद दो चेन, फिर दो त्रिबुल क्रोशिया और फिर दो चेन करेंगे, देखिए फिर दो त्रिबुल क्रोशिया दो चेन करके फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे सेम चीज़ें, फिर ये चेन में चेन ज्वाइंट करेंगे तीन करके, और फिर इसके सामने ऐसे ऐसे ज्वाइंट करते हुए फिर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये भी ऐसे ज्वाइंट कर लिया, तो पहला यहाँ ज्वाइंट किया है, दूसरा ये हमने ज्वाइंट कर लिया, सेम ऐसे ही और ज्वाइंट होगा। अब यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो इधर सेवन ज्वाइंट पड़ा, अब यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच ज्वाइंट पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात ज्वाइंट यहाँ पड़ेगा, सेवन फाइव सेवन फाइव ज्वाइंट पड़ेगा ऐसे। तो हम इधर तक ज्वाइंट करते करते कर ले रहे हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए हमने ऐसे पूरा ज्वाइंट कर लिया, अब यहाँ पर लास्ट टिक्की है जिसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ ज्वाइंट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा ज्वाइंट पड़ेगा यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक नौ, नाइन ज्वाइंट पड़ेगा। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये बनाया है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके मिडिल में ऐसे हम इसे ज्वाइंट करेंगे, फिर दो चेन करके और फिर सेम चीज़ें हम बनाएंगे, एक दो डबल क्रोशिया फिर दो चेन और फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर यहाँ ले जाकर ज्वाइंट करके फिर थ्री चेन करके ये चेन में ज्वाइंट करेंगे, फिर ऐसे बनाते हुए हम पूरा बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट कर लिया, पूरा 19 टिक्की का हमने बनाया है, बीच में एक है यहाँ पर, उसके ऊपर सिक्स है, उसके ऊपर 12 है, यानी बीच में एक छः फिर 12 इसमें टिक्की लगा है राउंड में, यहाँ एक यहाँ छः राउंड में लगा है, फिर इसके ऊपर 12 लगा है पूरा पूरा, तो पूरा 19 टिक्की हो गया है ये। अब इसमें हम साइड से झालर बनाएंगे, तो इसके लिए हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे ऐसे बांध के और चेन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात सेवन चेन। अब ये बीच में जो ये चेन है इसमें हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, आपको चाहिए तो फाइव फाइव चेन करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं आप लोग, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात सेवन चेन, और फिर हम यहाँ पर ये दोनों के बीच में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ये दोनों ज्वाइंट है उसके बीच में ऐसे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन, और फिर ये चेन वाला जो है इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे ही सेवन सेवन चेन करके हम पूरा ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं पहले। तो देखिए हमने ये बना के कंप्लीट किया ऐसे, अब यहाँ पर पहले वाले में लेके हम ज्वाइंट करेंगे जहाँ से बनाना स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पर जो पहला ये चेन है जिसमें बनाए हैं हम ऐसे फ्लैट स्टिच से, इसके मिडिल में आ जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन, फिर ढाई को खींच के हम यहाँ पर पफ बना रहे हैं, आपको चाहिए तो झालर लगा सकते हैं आप लोग, तो तीन चार एक पाँच,
इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, चेन को क्रोशिया पर रख के ऐसे बांधेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चेन। अब इसके नेक्स्ट वाला चेन में हमें ट्रेंड करना है। इसमें बनाए हैं तो इसके नेक्स्ट वाला ये चेन है, इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे, देखिए। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चेन। फिर ढाई को खींचेंगे और फिर यहाँ 5 टाइम ढाई को ऐसे खींचेंगे, पफ बनाएंगे। 2, 3 सेम जगह से ऐसे खींचना है, 4, 5। फिर इसके नीचे से निकाल के बांध लेंगे। फिर इस चेन को क्रोशिया पर ऐसे लेके ऐसे बांधेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चेन। फिर उसके नेक्स्ट में फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चेन। फिर पफ बनाएंगे ऐसा। तो जितना चेन है सब में ऐसे ही बनाते हुए हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना तैयार कर लिया। डिजाइन कैसा है कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये डिजाइन कैसा दिख रहा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसे बनाने में हमारा 100 ग्राम से ऊपर उलन लगा है, यानी 100 ग्राम से ऊपर उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।